नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ हैं पुनीत मिश्रा। नमस्कार। तो लगातार हाल फिलहाल आपने देखा होगा जो घटनाक्रम अभी मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, ईरान, इसराइल, हमास, बहुत सारे नाम हैं जो जहन में आपके बार बार आ रहे होंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अस्थिर स्थिति में है और इसराइल और ईरान अब डायरेक्ट आमने सामने आ गए हैं और इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे और इसमें सारी बातें होंगी। हम हमास की बात भी करेंगे, लेबनान में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कैसी ऑपरेशन इसराइल कर रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी क्या भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में है या कौन क्या मूवमेंट या कौन क्या स्टेप ले सकता है, कौन किसके साथ जा सकता है, किसके कहां हित हैं, कौन व्यापारिक हित को महत्वपूर्ण देगा या कौन मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको प्राथमिकता देता है और इसी पर चर्चा करेंगे। पुनीत, आपको लगातार मिडिल ईस्ट से जुड़ी डिटेल्स जानकारी हमेशा देते रहें, आज एक बार हम फिर उसी पर चर्चा करेंगे। पुनीत, तो खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता या कहें सुप्रीम कमांडर, उन्होंने अब मुस्लिम कंट्रीज से एक होने के लिए कहा हुआ है। दरअसल हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब उन्होंने सीधा इसराइल पर अटैक किया था, करीब 200 मिसाइलें एक साथ दागी गई थी और वो वाकई में इस मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में बहुत ही ड्रेस्टिक बदलाव था। उस बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अनुमान भी लगाने शुरू कर दिए थे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दरअसल खामनेई की तरफ से ये जो कहा गया है मुस्लिम कंट्रीज़ को कि हमको एक होना होगा और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को एक होना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान से लेकर लेबनान तक। अब ईरान से लेकर जब लेबनान तक ये खामनेई कहते हैं तो ऐसा नहीं कि ईरान से लेबनान तक क्या ईरान और लेबनान ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुल्क आते हैं, इराक, जॉर्डन, मिस्र और इसके अलावा अरब, और ये सारी कंट्रीज़ आती हैं यहाँ पर। तो ये सारे मुसलमान कंट्रीज़ को एक होने के लिए खामनेई की तरफ से कहा गया है। दूसरी बात कि इसको अगर इस नज़रिए को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, सवाल ये उठता है कि क्या सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे? क्यों ये खामनेई ने कहा है ये जानना भी ज़रूरी है। दरअसल हिजबुल्लाह के कमांडर को जब मारा गया, नसरल्लाह को जो मारा गया, तो नसरल्लाह को मारने के बाद उनका जो हम कहते हैं कि सुपुर्द खाक वो किया जाना था, और सुपुर्द खाक किया जाना था तो आज ही किया जाना था। पहले खबर ये आई कि तेहरान जो है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ईरान के करबला में पहले खबर आई कि अंतिम संस्कार होना है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स को कैसे टारगेट करने का काम किया। तो ये ईरान को इस बात का लगा कि अगर ऐसा होता है और अब इसराइल तक खबर हो जाती है तो उसके ऊपर अटैक वहाँ पर हो सकता है और बड़ी संख्या में, जाहिर सी बात है कि अपने नेताओं को विदाई देने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो ये हुआ कि वहाँ की जो ग्रैंड मस्जिद है वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें खामनेई पहुँचे थे और वहाँ के तमाम लोग जो आला लोग हैं वो पहुँचे हुए थे और इसके साथ ही आम लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने ये पहले तो श्रद्धांजलि जिसे हम कहते हैं श्रद्धांजलि देने का काम किया और उसके बाद एक भाषण दिया। और देखिए, वो भाषण जो है उसी की चर्चा हर तरफ हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सारे मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है। उन्होंने, आपको याद होगा, पिछली बार भारत के मुसलमानों के लिए भी खामनेई ने एक बयान दिया था। तो ये बयान जो है, अब उन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो ग्रैंड मस्जिद में ये जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो पाँच साल बाद पहुँचे। तो एक तो ये जानकारी, और दूसरी बात कि अभी जब नसरल्लाह के ऊपर हमला किया गया था तो हमला होने के बाद खामनेई को तुरंत एक गुप्त स्थान पर भेजा गया था क्योंकि अटैक इसराइल लगातार कर रहा था, कहीं किसी पर भी अटैक हो सकता था। तो अब वो इतने दिनों बाद निकलकर सामने आए हैं और सबसे कहा, ख़ास तौर पर ये कह दिया कि अरब कंट्रीज़ को भी, अरब के मुसलमान भी हमारे साथ में आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि बात इसराइल की नहीं है, बात इसराइल से जंग की नहीं है, सवाल है फिलिस्तीन का और फिलिस्तीन के हक का सवाल है और इसको हक हमको दिलाना है और इसके हक के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। पुनीत, लेकिन आपने कहा फिलिस्तीन का मामला है और ईरान इस पर बहुत क्लियर स्टैंड ले रहा है, अपील भी कर रहा है कि भाई आपको इसके लिए साथ में आना होगा, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, विशुद्ध व्यापारिक कंट्री है, भले ही मुस्लिम कंट्री है, व्यापारिक कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है और
इसराइल से रिश्ते दुरुस्त करने की राह पर आगे बढ़ रही थी ये कंट्री, उस स्थिति में जब इसराइल से किसी भी मुस्लिम कंट्री के संबंध बेहतर नहीं है, उस स्थिति में आगे बढ़ रही थी। सऊदी अरब का जिक्र कर लें, जॉर्डन का जिक्र कर लें, इनका भी अभी दूतावास अगर हम कहें तो देखिए जी, जो आप कह रहे हैं ना, देखिए जियोग्राफिकल कंडीशन आप देखिए कि इसराइल कहाँ पर है। इसराइल सारे मुस्लिम मुल्कों के बीच में है, बिल्कुल इसराइल, और वो बहुत छोटा सा, अगर हम मैप में देखते हैं तो इसराइल बाकी मुल्कों के हिसाब से तो बहुत छोटा है, बिल्कुल। अब इसराइल की सीमा किस किस से लगती है, तो इसराइल की सीमा लगती है लेबनान से, इसराइल की सीमा लगती है मिस्र से, इसराइल की सीमा लगती है जॉर्डन से, इसराइल की सीमा लगती है इराक से, और भी आसपास, और उसके बाद फिर देखिए उधर ईरान भी है, यमन भी है, ओमान भी है, कतर भी है, तो ये इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, और इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज में आपको एक बात बताएं कि अभी जब हमास के साथ सीधी इसराइल जंग लड़ रहा था तो इस मामले में शांति समझौता हो जाए इसके लिए प्रयास कौन कर रहा था, प्रयास कर रहा था मिस्र, प्रयास कर रहा था कतर, और अमेरिका की तरफ से प्रयास किया जा रहा था। ये तो एक बात हो गई, यानी कि मिस्र और कतर जिनका जिक्र आपने किया ये न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं इस भूमिका में, हाँ ये न्यूट्रल के अगेंस्ट ये खड़े नहीं होते, मुस्लिम कंट्री हैं, हाँ, तो लेकिन अब या कोई गुंजाइश है क्या, अब कोई गुंजाइश आपको नजर आती है क्या, जो अपील खामनेई ने की है, खामनेई ने अपील के साथ ये खड़े, खामनेई ने अपील जो की है उसमें एक चीज देखी है कि खामनेई ने अपील क्यों की है, खामनेई ने अपील की है और उन्होंने कहा है कि अरब के मुसलमान भी, यानी कि उनको ये तो अभी तक तो उनके बयान के मायने अगर निकाला जाए तो उनको ये तो मालूम है कि अभी तक अरब के मुसलमान साथ में नहीं है, ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी बात, जॉर्डन की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो जॉर्डन नहीं चाहता जंग, बिल्कुल जॉर्डन नहीं चाहता, हालांकि ये बात अलग है कि जॉर्डन में अभी कुछ दिन पहले हमने खबर भी ये बताई थी कि जॉर्डन से एक पूर्व सैनिक जो है वो ट्रक में सवार होकर वहाँ से वहाँ इसराइल में दाखिल होता है, कोशिश करता है और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है और उसमें कुछ इसराइली नागरिकों की मौत हो जाती है, और इसके बाद जश्न भी मनाया गया जॉर्डन में भी, जश्न मनाने की जैसी खबरें आई कि वहाँ पर जश्न मनाया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन ठीक बात है, सब लोगों के द्वारा नहीं मनाया गया, कुछ एक समूह के द्वारा मनाया गया जिनको लगता है कि ये सही किया, लेकिन जॉर्डन के आधिकारिक रूप से अगर बात कर ली जाए तो जॉर्डन ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। इसके बाद इस सीमा को सील कर दिया गया, जॉर्डन और इसराइल की सीमा जो है उसको सील कर दिया गया, तो जॉर्डन जो है वो अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। वो उसकी खुद की परिस्थितियां ऐसी जो हैं उनसे क्या होता है कि कई बार आपकी परिस्थितियां ये आपको गवारा नहीं करती कि आप किसी और के मामले में किसी और के पछड़े में पड़े, क्योंकि आपको अपने देश को पहले अपने सिचुएशन से फेस करना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पुनीत एक और दूसरा पहलू ज़रूर जहन में आता है कि भाई इसराइल टारगेट कर रहा था हिजबुल्ला को या नसरल्लाह को टारगेट किया, नसरल्लाह को टारगेट करने से ईरान को दिक्कत क्यों हो गई? देखिए कुल मिलाकर बात ये या है कि प्रॉक्सी वॉर इन संगठनों के माध्यम से, देखिए ईरान और इसराइल के रिश्ते जंग क्यों हो रही है, इसी वजह से हो रही, हालांकि अच्छी बात यह है कि शांति है, लेकिन शांति कितने दिन तक होगी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। इसराइल की तरफ से कह दिया गया कि हम पलटवार तो करेंगे ही करेंगे, और वो कभी भी करेंगे, वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, किस पर कैसे अटैक करना है सब कुछ हम तय करेंगे, इसराइल की तरफ से तो ये कह दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया कि हम फिर से हमला करने के लिए तैयार, बिल्कुल दुनिया टेंशन में है कि क्या अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी क्या? अमेरिका ने कह दिया कि हम इसराइल का साथ देंगे, लेकिन इसमें एक पेंच है, देखिए आप अगर ईरान और इसराइल के बीच में देखें तो पड़ता है इराक, और इराक बीते दिनों बड़े युद्ध को झेल चुका है, बिल्कुल इराक की कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन वहां पर भी मिलिशिया या कह लीजिए कि जो ईरानी समर्थक जो हाथ में बंदूक उठाए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम तो इसराइल से बदला लेंगे, हम अगर ऐसा हुआ तो हम इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस पर भी अपनी रिएक्शन दे रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में पड़ता है इसराइल की मदद हमारा हवाई क्षेत्र तो हमारा हवाई क्षेत्र अगर खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि देखिए अभी भी अमेरिकी फौजें जो हैं वो इराक में तैनात हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि आप इसमें पड़ते हैं और हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हम रिटेलिएट करेंगे, उसका जवाब देंगे, आप जवाब देंगे,
ये कह दिया गया इराक की तरफ से, साफ तौर पर कह दिया गया। सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब, चूंकि देखिए ये इतना बड़ा हमला हुआ था, नसरल्लाह के ऊपर हमला हुआ और ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया में ये बात फैली, तो सऊदी अरब का रिएक्शन जो कही जाती हैं बातें हैं वो ये कही जाती हैं कि वो प्योर बिजनेस माइंडेड है। और बीच में तो कुछ तरफ तो ये खबरें तक आई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा नहीं, क्योंकि देखिए भारत में भी खबरें आई कि जम्मू कश्मीर या लखनऊ से खबरें आई कि नसरुल्लाह की मौत के बाद वहाँ पर शोक मनाया, प्रदर्शन हुआ, शोक मनाया गया, लोगों ने मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, श्रद्धांजलि दी। लेकिन वहाँ से कुछ खबरें आई कि कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे थे ठीक है जो भी हुआ ठीक हुआ। तो ये ऐसी स्थिति है कि आपके आसपास अगर आसपास अशांति फैली हो और उसके बाद एक बड़ी चीज़ हो जाए तो फिर शांति जो होती है तो बोले आपको लगता है कि ठीक है, तो उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब इस मामले में ईरान का साथ नहीं देने वाला या इसराइल के साथ खड़ा है। वो ऐसी परिस्थिति है कि हम देखेंगे, परिस्थितियां देखेंगे, कौन कितना भारी है और हित किसके साथ, हर देश के हित होते हैं, अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कदम उठाए जाएं जाते। ठीक है, मिस्र सीरिया का भी जिक्र नहीं हो पाया, सीरिया का अगर जिक्र करें सीरिया की क्या भूमिका होगी, देखिए सीरिया की भी कंडीशन आप जानते हैं। दूसरा एक टर्की का भी थोड़ा सा जरूर जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। टर्की अमूमन चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बने, उसकी जो ख्वाहिश बिल्कुल ये चाहता, अभी क्या भूमिका देखिए टर्की अपना सकता है। टर्की की अगर बात कर ली जाए तो टर्की जो है वो सबसे बड़ी तो पसोपेश हो गई है टर्की के लिए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल देश है और वहाँ पर हालांकि अभी जब ये हमला किया गया था वेस्ट बैंक में, जब इसराइल ने खूब हमले करने शुरू किए तो वहाँ से प्रतिक्रिया आती है, राष्ट्रपति की तरफ से प्रतिक्रिया आती है और कहा जाता है कि आप दूसरा गाज़ा बनाने की कोशिश मत करिए वेस्ट बैंक को, इसके अंजाम इसराइल को भुगतने होंगे। ये वही टर्की है जो कि नाटो का सदस्य है और नाटो में अमेरिका भी है। बिल्कुल ठीक बात है, नाटो में अमेरिका भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, अभी जब लबनान में हमले हुए और इतना सब नुकसान हुआ, करीब लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए, सीरिया चले गए, लोग पैदल पैदल सीरिया चले गए, तो बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मदद किसने भेजी है, रशिया ने वहाँ पर मदद भेजी लबनान में, तो किसके कहने पर भेजी है, ईरान के कहने पर भेजी है, ईरान ने मदद मांगी है, वहाँ रेडियो टावर्स और बहुत सारी चीज़ें। देखिए एक तरफ वो युद्ध अलग चल रहा है, रशिया का और यूक्रेन का युद्ध अलग चल रहा है, लेकिन रशिया और ईरान के संबंध बेहतर है। जी हाँ, और आपको एक चीज़ और बताएं कि ईरान से चाइना भी तेल खरीदता है, भारत तो रशिया से लेता है, ईरान से भी लेता है, रशिया से भी, लेकिन रशिया से बड़ी मात्रा में लेता है। अब ईरान के जाहिर तौर पर चाइना से संबंध अच्छे हैं, बिल्कुल ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं इस बात की मांग भी की जा रही है। अभी यूएन में इसराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और ये भी कहा गया कि हम तो बदला लेकर रहेंगे, हमने जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसका जवाब हम जवाब देंगे। ऐसा नहीं, इसके पहले भी हमला किया गया था ईरान की तरफ से, पहले भी हमला किया गया था, लेकिन इसराइल बार बार यही दावा करता है कि हमारे जो आयरन डोम हैं या और सिस्टम हैं वो सारी मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमने वो वीडियो देखे हैं पुनीत, जो वीडियो एक के बाद एक जब मिसाइलें डोम, आयरन और डोम जो आपकी मिसाइलों को ब्रेक करते हैं, जब आप एक साथ 100 मिसाइलें, 150 मिसाइलें, 200 मिसाइलें जब दागी जाती हैं तो वो एक साथ कैसे काम करेंगी, वो मैकेनिज्म कितना काम करेगा। हाँ, लेकिन 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 एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ, ईरान ने जो हमला किया, इट वॉज जस्ट लाइक अ टेस्टिंग, टेस्टिंग की है ये कि हमारी मिसाइलें और अभी तो काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या जो हमने टारगेट, अभी तो प्रॉपरली टारगेट नहीं किया गया, आबादी को टारगेट नहीं किया गया, बाहरी इलाकों को टारगेट किया गया, ये बातें भी सामने आई हैं कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पर घनी आबादी नहीं थी वहां पर हमले किए, जस्ट लाइक टेस्टिंग। हाँ, इट्स लाइक टेस्टिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये जो अभी एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में बताया गया कि ये जो मिसाइलें जब छोड़ी, और ये किसकी तरफ से, ईरान की तरफ से जारी किया गया, और इसमें बताया गया कि ये जो मिसाइलें छोड़ी गई उसके पहले जब छोड़ी जा रही थी उसकी तैयारी चल रही थी, उसके ऊपर बाकायदा नाम लिखा गया अरबी में, नाम क्या लिखा गया, हनिये, इस्माइल हनिये, इस्माइल हनिये जी, हमास चीफ,
इसके बाद हसन नसरल्लाह का नाम लिखा गया, उनकी फोटो लगाई गई उस मिसाइल के ऊपर, और उसके बाद वो दागी गई है, क्योंकि ईरान के लिए वो लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी है। यानी कि इनके माध्यम से ईरान की प्रॉक्सी वार चल रही थी, इसमें आप हमास को भी इंक्लूड कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमास को इंक्लूड कर लें, और इसके अलावा हुथी विद्रोही जो हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लें। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर हमको एक होना होगा। पहले ये बात छिपी हुई थी, पर्दे के पीछे थी, अब ये पर्दे के सामने आ गई है और खामनेई कह रहे हैं कि हमको एक होना। तो दोबारा क्या लगता है कि जो खामनेई का जो रवैया है या जो लगातार एटीट्यूड है, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि भाई भुगतना होगा, जो इसराइल ने किया है वो भुगतना होगा। अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी थी कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, और चेतावनी देते देर नहीं हुई और हमला हो गया। मतलब अभी इसराइल के लिए इस तरह के अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए क्या? इसराइल के अटैक के लिए मुझे लगता है इसराइल के ऊपर कोई अटैक हो उसके लिए देखिए, खामनेई तो कह चुके हैं कि हम हमला आज देखिए, एक आज का दिन बेहद अहम था, हिजबुल्ला के चीफ को आज सुपुर्दे खाक किया गया। तो ये हो सकता है कि कुछ खबरें ऐसी आ जाएं वक्त के साथ, या ये हो सकता है कि जिस तरीके से इसराइल की तरफ से खुलेआम कह दिया गया कि हम तो जगह अपनी चुनेंगे, ठीक है, वक्त अपना चुनेंगे, तो ये तो खुलेआम कह दिया गया ना। लेकिन ईरान क्या पता वो भी तय करके बैठा है कि कब हमको करना है हमले, किस तरीके से नुकसान करना है। इसराइल तो अपने ऑपरेशन कंटिन्यू रखे हुए लेबनान में, अब ज़मीनी स्तर पर ऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक और कंट्री जिसको शायद स्लिप हो गए, उसको मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि क्या जियो पॉलिटिकल में उसकी भूमिका है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई देखिए, यूएई बिल्कुल एक, अगर हम वहाँ का नक्शा देखें पूरे मिडिल ईस्ट का, तो सबसे कॉर्नर में है यूएई, बिजनेस व्यावसायिक कंट्री। हाँ, आइए हमारे देश में आइए, घूमकर जाइए, खुश होकर जाइए, ठीक है। तो एक तो शेख वहाँ पर हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही, तो यूएई इसमें पढ़ना नहीं चाहता है। हाँ। तुर्की की आप बात कर रहे थे, तुर्की की एक चीज़ आपको और बताऊं कि पहले तुर्की के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे इसराइल से, अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। लेकिन एक तो आपने बताया, आपने ही कहा कि वो मुखिया बनना चाहता है, तुर्की अब मुखिया बनना चाहता है। दूसरी बात ये कि अभी बीते दिनों तुर्की में ये बात सामने आई कि इसराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, उसके जासूसों को पकड़ने का दावा किया गया था तुर्की की तरफ से। तो जब ये बात सामने आई, तो उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में, अब 30 की संख्या में बताई गई कि इतने हमने जासूस पकड़े हैं, तो वो तलखी आनी स्वाभाविक सी बात थी। ठीक है, आखिरी सवाल मैं पुनीत आपसे, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जिसका जो इस वक्त कंडीशन बन रही है, दावे हो रहे हैं कि भाई तैयार रहिए आप अपने ऊपर अटैक के लिए, क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो एक अटैक हुआ है, अभी वॉर नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि वॉर नहीं चल रहा, और ऐसा नहीं कि इसके पहले हमला नहीं हुआ, इसके पहले भी अप्रैल में हमला किया था ईरान ने, इसराइल के ऊपर हमला किया था, कोई कुछ हो नहीं पाया। इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने पूरे हमले को नाकाम कर दिया। नहीं, अब डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ईरान भी इन्वॉल्व है, इवन अमेरिका भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश अगर कहें तो एक सूरत बनती हुई नजर आई थी अमेरिका की। अगर ऐसी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो क्या वो सिचुएशन बनेगी? वो अगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल अगर इसके ऊपर तुरंत जवाब देता है, और जैसा कि खामनेई कह रहे हैं कि हम फिर से एक और हमला करेंगे, तो अगर हमलों की संख्या तेज़ होती है तो ये वॉर में तब्दील हो जाएगा। अभी तो हमला है, इसके बाद ये वॉर सिचुएशन में, और वॉर सिचुएशन अगर होती है और इसमें अमेरिका कूद जाता है, तो फिर इराक की तरफ से क्या कहा गया था, आप ये समझिए, इराक की तरफ से कहा गया था कि आप हमारे एयर स्पेस का यूज़ करेंगे तो हम फिर इसमें आपको टारगेट करेंगे। तो अमेरिका को जब टारगेट इसमें किया जाने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि और भी देश इसमें कूद पड़ेंगे, और फिर
ईरान के समर्थन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेबनान में मदद पहुंचाई जा रही है रशिया की तरफ, रशिया के जरिए, ठीक है, वो अभी मानवीय मदद है, दवाओं की मदद है, वहां पर रेडियो टावर्स लगाने की मदद है और दूसरी तरह की हथियारों की और दूसरी मदद भी, चूंकि बहुत बड़ा हथियार उत्पादक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हिजबुल्ला के कमांडर को ढेर कर दिया गया, लेकिन अभी भी हिजबुल्ला की तरफ से लगातार इसराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, यानी कि कमांडर को अगर मार गिराया गया उसके बावजूद भी अगर हमले किए जा रहे हैं और इतनी मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो कुछ तो बात है, कुछ तो उन्होंने भी तैयारी करके रखी हुई है। एक बात तो ये है, उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। और वेस्ट बैंक में हमले हुए, वेस्ट बैंक में हमले हुए इसराइल की तरफ से, वेस्ट बैंक में हमला किया गया, वहाँ पर करीब 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके अलावा गाज़ा में हमले किए गए और 1,000 लोगों की गाज़ा में भी जान गई और अब तक 41,000 लोग मारे गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने और बहुत डिटेलिंग में पुनीत आपने बताया, समझाया कि आखिर इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, कौन कंट्री किस ओर जाएगी, कैसे ईरान के जो सर्वोच्च नेता खामनेई हैं जो अपील कर रहे हैं कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ आएँ, लेकिन वाकई ये संभव नज़र नहीं आता है। सारी कंट्रीज़ जैसे यूएई है और इसके अलावा सऊदी अरब है, कुछ और कंट्री जॉर्डन है, लेकिन एक चीज़ है, देखिए कूटनीति भी चल रही है इसके पीछे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समअप कर रहा हूँ, कूटनीति भी चल रही है और विदेश मंत्री लेबनान गए हुए हैं, ईरान के विदेश मंत्री लेबनान गए हुए हैं, ठीक है, और वो आधिकारिक यात्रा है। इसके अलावा भी अंदर ही अंदर बाकी, जब ये बयान आता है खामनेई का, तो इससे आप समझिए कि बयान के पहले तैयारियां कुछ अंदर ही अंदर की गई हैं कि ये सिचुएशन बन सकती है, तो उसके लिए बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये बात चली गई, सारे मुस्लिम देशों की बात है और अरब के मुसलमान स्पेशली। लेकिन आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, सऊदी अरब से हमेशा अगर हम कहें तो कटोरा लिए खड़ा होता है पाकिस्तान, सऊदी अरब। मैं पढ़ रहा था कि वहां पर पाकिस्तान में प्लेन्स में फ्यूल डलवाने तक के पैसे नहीं बचे जी, तो क्या वो सऊदी अरब जिससे उधार ले रहा है, उधार से अपना इकोनॉमी चला रहा है, वो सऊदी अरब की लाइन से हट पाएगा, जा पाएगा क्या, बहुत कम शब्दों में वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा, देखिए अभी तो कह नहीं सकते, उसकी खुद की सिचुएशन बहुत खराब है। हाँ, पहले घर संभालिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो देशों के सामने पहले घर संभालिए वाली स्थिति है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप कह रहे हैं सऊदी से मदद लेता है, तो चाइना से भी लेता है, भूल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक, चाइना से भी मदद लेता है, और अगर इसमें अगर ये देश इन्वॉल्व होते हैं तो बाकी जो न चाह कर भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत सारे मुल्कों को, क्योंकि अमेरिका आया तो रशिया पीछे से ही सही साथ तो रहेगा, क्योंकि उसका टारगेट अमेरिका, यस, और चाइना का भी मैंने आपको बताया कि फ्यूल खरीदते हैं, ठीक है, इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि फ्यूल के दाम जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, सबसे उच्चतम लेवल है, उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट तेल का, कच्चे तेल का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उत्पादक और पूरी दुनिया पर इसका डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, हालांकि इंडिया के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा, अभी विकल्प है हमारे पास, रशिया से हम ले रहे हैं इसलिए, लेकिन आगे पीछे समय का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या परिस्थिति है। बहुत जबरदस्त तरीके से पुनीत आपने समझाया, आखिर में मिडिल ईस्ट में होगा क्या या फिर क्या हो सकता है, क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कौन सी कंट्री किस तरफ जाती हुई नज़र आती है या जा सकती है, हमारा पड़ोसी उसका क्या स्टैंड होगा, पहले वो खुद को संभाले या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ खड़ा हो इसराइल के खिलाफ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।